रेडियो कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी, और साथ में मैं हूं आशना कंडियर। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था, और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के चौथे लक्ष्य यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, यानी उत्तराखंड राज्य में समावेशी न्याय संगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुछ सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए हैं, जिसके अनुसार प्राथमिक व प्रारंभिक स्तर पर सभी बालक तथा बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सभी बालक तथा बालिकाओं को प्रारंभिक बाल्य अवस्था विकास व प्राथमिक पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी पुरुष व महिलाओं के लिए किफायती उच्च शिक्षा, तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा सुलभता सुनिश्चित करना, रोजगार उद्यमिता हेतु तकनीकी व व्यावसायिक कौशल द्वारा युवाओं के रोजगार में वृद्धि करना, शिक्षा में लैंगिक असमानता समाप्त करना, निःशक्त असुरक्षित बच्चों सहित कमजोर लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण में समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना, सभी युवाओं पुरुषों महिलाओं को साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करना, शिक्षा के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों का सतत विकास, जीवन शैली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति, अहिंसा, संस्कृति व सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान और कौशल अर्जित करना, सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति हेतु सुविधाओं का निर्माण व उन्नयन के अवसर प्रदान करना, बच्चों निःशक्तता और स्त्री पुरुष समानता के प्रति संवेदनशीलता, उच्च शिक्षा नामांकन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी तकनीकी, इंजीनियरिंग व वैज्ञानिक कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति की संख्याओं में वृद्धि करना, शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को बढ़ाना है। उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन प्राथमिक यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 व माध्यमिक कक्षा 9 से कक्षा 10 में शुद्ध नामांकन दर अथवा अनुपात से प्रगति का आकलन किया जा रहा है। रेडियो कक्षा 5 के छात्रों के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन यानी EVS विषयों में सीखने का प्रतिफल,
प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 5 के अंत तक छात्रों का पढ़ने व सीखने का स्कोर, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 5 तक गणित विषय में सीखने का स्कोर से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में कम से कम एक न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त करने वाले ग्रेड 3, 5, 8 व 10 के छात्रों को इन सभी ग्रेडों के छात्रों के सापेक्ष प्रतिशत तथा कक्षा 8 के विद्यार्थियों का गणित, विज्ञान व सामाजिक विषय में सीखने के परिणामों में गतिविधियों के प्रतिशत से लक्ष्य की प्राप्ति का आकलन किया जा रहा है। कक्षा 8 के अंत तक सीखने व पढ़ने के स्कोर, कक्षा 8 के अंत तक गणित विषय में पढ़ने का स्कोर, माध्यमिक स्तर पर वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के स्कूल छोड़ने की दर, ग्रेड ए में नामांकित छात्रों का अनुपात जो अंतिम ग्रेड प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक पहुंचते हैं। माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के स्कूल छोड़ने की दर, 6 से 13 वर्ष आयु के बच्चों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के स्कूल छोड़ने की दर से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। कुल क्षमता के सापेक्ष पॉलिटेक्निक में भरी गई सीटों का प्रतिशत तथा पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट का अनुपात, उच्च शिक्षा में महिला व पुरुषों का अनुपात, कंप्यूटर साक्षर वयस्कों का अनुपात, व्यावसायिक व पेशेवर शिक्षकों का प्रतिशत, वर्ष में दोबारा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर 30 से कम छात्र शिक्षक अनुपात वाले विद्यालयों में प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के चौथे लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं उत्तराखंड में संचालित की जा रही हैं, जिनमें सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, शिक्षा विकास के लिए शिक्षक, शिक्षा की पुनर्संरचना एवं प्रशिक्षण, बालिकाओं को मुफ्त माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों को मदरसे में शिक्षा हेतु योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति छात्रों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए कन्याधन योजना, उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों के उन्नयन हेतु लैपटॉप वितरण योजना, राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हेतु सुविधा व अन्य उन्नयन योजना, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण तथा निजी संस्थानों द्वारा खेल में प्रतिभागिता जैसी योजनाएं उत्तराखंड राज्य में संचालित की जा रही हैं। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिपेक्ष को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के चैंपियन की कहानी।
आई फील एजुकेशन इज द टूल विथ थ्रू विच वी कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. इट्स अ लाइक फेमस कोट बाय नेल्सन मंडेला. वर्ष 2007 में जोगिंदर रोहिला ने एनजीओ संस्कृति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय स्थापित करके बच्चों को करियर में मार्गदर्शन प्रदान करना है. एजुकेशन से ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है. देन ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया कि व्हाई नॉट के जो और भी बच्चे हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू लाइब्रेरीज, व्हाई नॉट. ओके, सो इसकी शुरुआत इंस्पिरेशन पर्सनल लाइफ से है, जिसको हमने आगे लाइब्रेरीज की फॉर्म में कंटिन्यू की. पुस्तकालयों का वास्तविक प्रभाव बच्चों के चमकते और मुस्कुराते चेहरों में देखा जा सकता है जब वे पुस्तकालय में होते हैं. पुस्तकालय बच्चों द्वारा सीखे जाने वाले विषयों में सर्वाधिक अनुशासन और रुचि विकसित करता है. पहले मुझे ना घर में रह के रीडिंग नहीं हो पाती थी बुक की, जैसे रीडिंग करते थे इंग्लिश की पढ़ते हैं और जो मेरे को समझ में नहीं आता वो बता देते हैं. पुस्तकालय बच्चों को पुस्तकों के माध्यम से सशक्त बनाता है और उन्हें लंबे समय तक पढ़ने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है. घर मतलब छोटा है, घर में मतलब वो बैठ के पढ़ नहीं सकता, इसीलिए वो लाइब्रेरी जा रहा था, वहाँ पर थोड़ा खुल के पढ़ेगा. व्यक्तियों और संगठनों को शामिल कर पुस्तकालयों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है ताकि प्रभाव कई गुना हो. तो उसके लिए एक लाइब्रेरी एक परफेक्ट माध्यम है. तो देन वी स्टार्टेड विद वन लाइब्रेरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑल अक्रॉस इंडिया नाउ वी हैव 100+ लाइब्रेरीज. ये लाइब्रेरी जहाँ पे हम हैं अभी खड़े, ये हमारी 100वीं लाइब्रेरी है. उत्तराखंड सरकार के साथ हाथ मिलाकर SDG 4 को आगे ले जाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों की निरंतर स्थापना की जा रही है. यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुई है. प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एवं उत्तराखंड परिपेक्ष के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा. आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalay@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं. रेडियो कार्यक्रम की सह लेखक और समन्वयक थी दीपा. शोध लेखक और निर्देशक थे जयप्रकाश पवार JP. मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून. प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड. प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है. मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पवार JP को आज्ञा दें. नमस्कार. कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा.